हाँ चच्ची किचन में है, अभी बात करा रहे। रुको, अम्मा मैजिबिन का फोन है। अरे कह दीजिए नहा रही है। अरे हमने कह दिया है कि किचन में है। हाँ वो नहा रही है, अभी थोड़ी देर में बात करना। सम्मो वो फोन पे फोन कर रही है, हमने उठाया नहीं है, बात कर लो। अरे कह दीजिए कि नहा के निकली थी तो बगल वाली खाला ने बुला लिया तो जरूरी काम से चली गई। ऐसे बहुत बात करती हो, आज हमने कहा कि लो बात कर लो तो हमको झूठा साबित कर रही हो कि कह दो कि जो है बगल में गए हुए हैं। अब तुम बात करते हुए दिख जाना, हमको फोन तोड़ देंगे तुम्हारा। देखिए ऐसा है, फालतू की बात हमसे ना करिए, समझे? उनको बात नहीं करनी, उनको पूछी पुछौबल करनी होगी, इधर की उधर करनी होगी, कहीं से सुन ली ने ना कि हम लोग जमीन लेने की सोच रहे हैं, तो वही खलबली मची होगी पेट में। खुद की तो जो है बहुएं आके सामने खाना लगा देती हैं, यहाँ दिन भर हमको काम करना पड़ता है। अभी हम काम करें कि हम बात करें? हाँ दिन भर तुम काम ही तो करती रहती हो, 70 आदमी को खाना बनाती हो। हम नहीं काम करने आते हैं तो आपकी बहन आती है ना गोंडा से खाना बनाने के लिए। तमीज में रह के बात करो ना, खींच के तमाचा मारेंगे भी। हाँ बस यही बचा है, ये भी हजरत पूरी कर लीजिए। आपके खानदान में तो सब मारते ही अपनी बीवियों को, आप भी अपने अरमान पूरे कर लीजिए। अम्मा भैया तुम्हारे मुंह ही नहीं लगने वाला है, तुमसे कोई जीत पाया है? रहो घर में, हम जा रहे हैं। हाँ तो हमें भी आपके मुंह नहीं लगना है। टाइम पे सबको खाने को मिल जाता है ना, तभी सबके चर्बी सवार है। खाना ही नहीं बनाएंगे, रहो भूखे, समझ में आएगा।